हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इग्नू एग्जामिनेशन। वेल, अगर आपको इग्नू के एग्जामिनेशन में इजीली पास होना है और एक अच्छे स्कोर क्रिएट करना है तो आप सभी के लिए ये वीडियो है। इसमें बात करूँगा कौन सा मटेरियल आपको फॉलो करना है, क्या पढ़ना है, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपके पास में बहुत ही शॉर्ट टाइम है, तो क्या पढ़ें ताकि आप एक अच्छे स्कोर कर पाएँ और इजीली पास हो जाए। सो वेल, आज की वीडियो आप सभी इग्नू के स्टूडेंट के लिए डिनोटेड है, तो इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखना। साथ ही बताई गई सभी स्टडी को फॉलो भी करना, तभी आप एक अच्छा स्कोर क्रिएट कर पाएंगे। सो आइए इस वीडियो में बात करते हैं सभी पॉइंट पर। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो वेल, आइए बात करते हैं इग्नू एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। सो वेल, जैसे कि आपको पता है आप सभी के एग्जामिनेशन 20 जनवरी 2022 से होने वाले हैं, दिसंबर 2021 के टर्मेट एग्ज़ाम। सो अगर मैं आप सभी से बोलूं कि आप सभी के लिए एग्जामिनेशन में मात्र 17 डेज है, यानी कि लगभग 3 वीक का टाइम हम मान के चलते हैं, तो आप सभी को मैं बोलूं कि यार इग्नू के मटेरियल को फॉलो कर लो, यानी कि जो बुकलेट SLM आपको मिलती हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, इसे पढ़कर एग्जामिनेशन में पास हो जाओ। बिकॉज अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे, लेकिन ये अभी के टाइम पे टोटली असंभव बात है। बिकॉज रीज़न ये है कि अभी टाइम कम है, तो इसे कंप्लीट कर पाने या फिर इसे स्टडी कर पाने पॉसिबल नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो वेल, इस टाइम पर क्या करना होगा? सो अब आपके पास में बचते हैं दो रिसोर्स, पहला असाइनमेंट, दूसरा प्रीवियस ईयर। तीसरी कोई भी चीज़ आपको सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले बात करते हैं असाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि असाइनमेंट कैसे हेल्पफुल रह सकते हैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में। सो अगर आप असाइनमेंट करके जाते हैं, बिकॉज असाइनमेंट को इसीलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि आपका जो कोर्स है उसको रिवाइज कर पाए आप, और इसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। पहले अगर बात करूँ तो असाइनमेंट से भी आपका 30 से लेकर 60% तक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में, मतलब कि इतना रेशियो आपको देखने को मिलता है। तो वेल, असाइनमेंट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सभी लोग असाइनमेंट तो प्रिपेयर करते ही हैं एग्जामिनेशन में सबमिट करने के लिए, तो ये स्टडी आपके लिए काफ़ी वर्क करेगी। और असाइनमेंट को प्रिपेयर करने में आपको मुश्किल से 2 दिन लगेंगे एक असाइनमेंट को अच्छे से कंप्लीट करने में। रीज़न वही है बिकॉज ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। अब बात करते हैं सेकेंड वन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे कर लेते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आप इसे कर लेते हैं तो आप सभी लोग इजीली पास हो जाएंगे, और ना केवल पास होंगे एक अच्छे स्कोर कर पाएंगे। रीज़न आप सभी को बता दें, इसमें से लगभग 90% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रिवाइज होते रहते हैं, कई बार सेम क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। सो वेल, आप सभी के लिए अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो एटलीस्ट 5 ईयर, अगर मैं बात करूं यानी कि 5 टर्म एंड एग्ज़ाम की, 5 ईयर मत समझना, 5 टर्म एंड एग्ज़ाम, अगर आप जून 2019 से अभी तक के एग्जामिनेशन की कर लेते हैं, यानी कि 5 आपके पास में 6 हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप इतने क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो आप इजीली एक अच्छे स्कोर क्रिएट कर पाएंगे और इजीली पास हो पाएंगे। और साथ ही उन स्टूडेंट के लिए जो CBCS कोर्स के हैं, जैसे कि BA जी, BSc जी, BCOM जी, बिकॉज उनको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फाइंड करने में इश्यू है। रीज़न आप सभी के सामने है, इग्नू ने अभी तक इस पोर्टल पे CBCS वालों के क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं किए। तो वेल, उनके लिए भी मैं अपनी ओर से वर्क कर रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे तक पहुँचे हैं और जिन स्टूडेंट ने मेरे तक पहुँचाए हैं, मैंने उन सभी को एक पोर्टल पे ऑर्गेनाइज करके आप सभी के लिए प्रेजेंटेबल रखा है, ताकि आप सभी लोग यहाँ से डाउनलोड करके इजीली एक्सेस कर पाएँ और अपने एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी कर पाएँ। आप सभी को इसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर आपको CBCS कोर्सेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, बिकॉज आप सभी का एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर का, और जो कि दिसंबर 2020 के टर्मेट एग्ज़ाम, जो कि आपके फरवरी एंड मार्च 2021 में कंडक्ट हुए थे, उसके क्वेश्चन पेपर आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। यहां से डाउनलोड करिए, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग तैयारी करें। सो वेल, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप इजीली पास हो जाएंगे, और ना केवल पास होंगे अच्छा स्कोर भी क्रिएट करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सारे ही पॉइंट क्लियर आउट हो गए हों। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना।
कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में या फिर कॉल मी फॉर ऐप के जरिए कॉल करके भी बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।